हाय फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ साग दाल तड़का। इस दाल तड़का को आप रोटी पराठा चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आइए फ्रेंड्स रेसिपी देख लेते हैं। सागों का ऐसे पत्ता पत्ता चुन लेंगे और डंठल हमें नहीं चाहिए। एक गठरी साग लिए है मैंने। सारे साग को मैंने चुन लिए हैं। सागों को अच्छे से धो के काट लेंगे। सागों को मैंने रफली काट लिए हैं। एक कटोरी मसूर दाल लिए हैं मैंने। दाल को अच्छे से धो लिए हैं। अब प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। अब डालेंगे साग। एक टीस्पून हल्दी पाउडर। इसी कटोरी के नाप से मैंने दाल लिए थे, अब इसी कटोरी के नाप से मैं डालूंगी पानी। एक कटोरी, दो कटोरी, तीन कटोरी पानी डाल दिए हैं मैंने। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। प्रेशर कुकर के ढक्कन बंद करके दो से तीन सीटी आने देंगे। जब तक सीटी आ रहे हैं तब तक मसाले रेडी कर लेते हैं। एक मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। 8-9 पीस लहसुन की कलियां, एक टुकड़ा अदरक, एक हरी मिर्च को दरदरा सा पीस लेंगे। एक बड़े साइज के टमाटर को छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं। कुकर का सीटी आ गए हैं। अब कुकर को उतर के रख देंगे साइड में। पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों के तेल। 1 टीस्पून भर के मैंने जीरा लिए हैं। आधा जीरा अभी डाल देंगे। जीरा अच्छे से चटक गए हैं। अब डाल देंगे प्याज, दरदरा सा पिसा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक मसाले को अच्छे से भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून गया है। अब डाल देंगे टमाटर, स्वाद अनुसार नमक। अब टमाटर गलने तक भून लेंगे। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अब थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनेंगे। अब डाल देंगे दाल। अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। कढ़ाई को उतार के रख देंगे दूसरे गैस में और गैस के फ्लेम को स्लो रखेंगे। तड़के के पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी, बचा हुआ जीरा। जीरा अच्छे से चटक गए हैं। अब डाल देंगे 3 सूखा लाल मिर्च। अब डालेंगे 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तड़के को डालेंगे दाल के ऊपर। अच्छे से मिक्स करके गैस बंद करेंगे। अगर ये साग दाल तड़का की रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे कोई नए रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए।